हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूँ मूनशाइन फ्रॉम यूके। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जैसी मैं हूँ। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है करीबन सुबह के 8:30 बजे से, और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो वैसे तो थोड़ा जल्दी उठ गए थे, लेकिन जो घर में थोड़ा काम था, उठते ही झाड़ू वगैरह मैंने करा। मम्मी छत को साफ़ कर रही थी, मैंने पूरा घर में झाड़ू लगाया और समीक्षा ने पोछा लगाया, तो ये सारे काम निपटा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने मतलब व्लॉग की शुरुआत जो है वो इस टाइम पे करी। फ्रेंड्स, बाहर के साइड में हमारी एक छोटी सी क्यारी है, बहुत ही छोटी, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो इसमें मम्मी ने लगा रखा धनिया, जो कि छोटा छोटा निकलना स्टार्ट हो गया, और मिर्च के पौधे काफ़ी सारे लगे हुए थे। अब तो मम्मी ने सारे निकाल दिए, अभी भी 2-4 मिर्च के पौधे बचे हुए हैं। तो और उसके अलावा यहाँ पे एक हमारा कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है, ये मिर्च के पौधे हैं। और इधर को हम लोग जब यहाँ आए थे तो स्टार्टिंग में ही हमने ये पेड़ लगा दिए थे। ये आप देख सकते हो, 4 पेड़ लगे हुए हैं इस साइड को। पिछले साल ये लगाए थे बरसात में, अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, मेरे से हाइट में काफ़ी ऊंचे हो रखे हैं। तो यहाँ पे ये लगे हुए हैं, और इस साइड को भी आप देख सकते हो, एक पेड़ यहाँ लगा रखा है फ्रंट में। और इधर वैसे तो गमला रखा हुआ है, लेकिन साथ में पेड़ भी है यहाँ पे, लेकिन इसको बार बार जानवर खा लेते हैं, तो इसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई है। गुड मॉर्निंग इनू, गुड मॉर्निंग। ब्रश कर रहा है, सुबह उठ के ब्रश करता है बेटा। अच्छे से दांत साफ करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे ब्रश अच्छे से, हाँ ऐसे करो, गुड बॉय। फ्रेंड्स, अभी घर में काफ़ी सारे काम बचे हुए हैं, तो वो सारे जल्दी से निपटा लेते हैं, और उसके बाद नहा धो के रेडी होते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जल्दी से अंदर जाते हैं और पहले काम देख लेते हैं कि क्या करने को बचे हुए हैं। घर की जो साफ़ सफाई थी वो तो हो गई कंप्लीट, और आप देख सकते हो पसीना पसीना हो रही हूँ पूरी मैं। तो अब अपनी भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और उसके बाद मिलते हैं अपने मंदिर में। फ्रेंड्स, तो मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी, और आज जो मैंने रेड कलर की कुर्ती वेयर करी है, वैसे तो आज वीरवार है और वीरवार के दिन मैं येलो कलर पहनती हूँ, बट आज नवरात्रि है तो इसलिए मैंने रेड पहना है। और इनू इधर आ। नो इनू, नहीं इनू, देखो दादू गए, दादू गए, दादू जा रहे, दादू जा रहे, गए दादू, दादू गए इनू के। ये लौंग के जोड़े पूजा में डाले जाते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर रहते हैं उनके नाम का एक एक जोड़ा डाला जाता है। तो वही मैं, जो बिल्कुल परफेक्ट है, चारों फूल मतलब अच्छे से बना है, वही सेलेक्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पूजा की जितनी तैयारी थी वो हम लोगों ने कर ली है, आप देख सकते हो प्रसाद भी यहाँ पे रखा हुआ है, फूल सारे देवी जी को चढ़ा दिए हैं, बाकी सभी लोगों देवी देवताओं को फूल चढ़ा रखे हैं, और जितना यहाँ पे सामान चाहिए था, सामग्री वगैरह, वो सारा का सारा अरेंज कर दिया है। और अब करते हैं हम लोग पूजा स्टार्ट।
वासुदेवाय नमः, श्री बृहस्पति देवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। फ्रेंड्स, तो आज की नवरात्रि के पहले दिन की जो पूजा थी मॉर्निंग वाली वो हो चुकी है, और अब जाते हैं नीचे और थोड़ी सी चाय वगैरह पी लेते हैं। पहले बनानी भी पड़ेगी। नो, हम तो लड्डू खाएंगे। लड्डू खाएगा ना? अच्छा है, ये देखो टेस्टी वाला लड्डू खाएंगे। तू भी खाएगा, तू भी खाएगा, तू भी खाएगा। जय करके आ गया ये। जय कर जी। अरे वाह, लड्डू। फ्रेंड्स, हम लोग खा रहे हैं ये रामदाने वाले लड्डू, प्रसाद में खाए जाते हैं। तो इनू को भी मिला है ना इनू? हाँ, इनू भी खा रहा है। इनू भी खा रहा है, मैं भी खा रही हूँ, इनू की मम्मा भी खा रही है, सब लोग खा रहे हैं लड्डू। काफी टाइम हो गया है, दिए में जो घी है वो देख के आते हैं, कहीं ऐसा ना हो बुझने वाला हो, उसमें घी डाल देते हैं, चेक कर देते हैं। ना ना, अभी तो ठीक है। और हम लोगों ने चाय जो थी वो पी ली और लड्डू खाया। बाकी दिन में देखते हैं फ्रूट्स वगैरह कुछ खाएंगे, बाकी तो कुछ खाना होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ही खाते हैं, तो वो दिन के टाइम पे खाएंगे। और आजकल धूप जो है काफ़ी तेज हो रखी है। बारिश वाला सीज़न जो है वो भी फिनिश हो गया है, और इस टाइम काफ़ी तेज वाली चटक वाली धूप निकली है, तो बाहर जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जाती हूँ वापस नीचे और इनू के साथ खेलती हूँ। अंडा, अंडा बनाएंगे। अंडा, ये कौन से कलर का अंडा? ये कौन से कलर का? और ये कौन से कलर का? पिंक। दोनों पिंक है, ये तो रेड है ना। फ्रेंड्स, मैं आई थी मंदिर में और जो मंदिर का दिया है उसमें मैंने घी डाला, क्योंकि उसका जो घी है वो ख़त्म हो चुका था। और अभी जो है दिन का करीबन 4 बज रहा है और 2 घंटे और बाकी है, तो वो भी ऐसे ही बीत जाएंगे सुबह से। ऐसे मतलब काम वगैरह भी कुछ होता नहीं है, इनों के साथ मस्ती कर रहे हैं, कभी ड्राइंग बना रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं। आज उसने बहुत डांस करवाया मेरे से, कभी बोलता है बीहू डांस करो, कभी बोलता है डांडिया करो, खुद भी नाचता है और मेरे को बुई को भी नचा रहा है। तो ऐसे करके टाइम बीत रहा है, 2 घंटे रह गए, उसके बाद हमारा जो व्रत है वो पूरा हो जाएगा शाम को। और जो हम खाना खाते हैं वो आलू ही खाते हैं, आलू और साबूदाने का फलाहार बनाते हैं, तो वो शाम को बनाएंगे, और वो मेरा वन ऑफ फेवरेट फूड है, मुझे बहुत पसंद है। फ्रेंड, शाम की पूजा हम लोगों की हो गई और आलू और साबूदाना हमने बना दिया है, लेकिन ये ज़्यादा ही हलवा टाइप बन गया है, बट कोई बात नहीं, अब खाना तो है ही। इसमें साबूदाना कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, सारे आलू मैश हो गए बिल्कुल ही। तो इधर बन रही चाय, तो अब निकालते हैं अपना खाना। फ्रेंड्स, तो करते हैं
अब अपना डिनर और जो आज का वीडियो है इसको करती हूँ मैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।